हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राधे अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट टर्म स्टॉक लाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा लार्ज कैप का शॉर्ट टर्म स्टॉक है और ये कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा पेंट सेक्टर का है ये। और चलिए आपको नाम भी बता देता हूँ उसका, और स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, अभी ये 1400-1500 रुपये पर चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें बाइंग और हमारा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने ये एशियन पेंट का चार्ट खोल लिया है 1 वीक का। तो इसमें देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है नीचे की तरफ, ये वाली नीचे की, तो इस पर देखिए जब जब स्टॉक टच किया है तब तक ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ गया है, और ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पर भी जब इसने टच किया है तो वहाँ से नीचे गिरा है। फिर नीचे देखिए, यहाँ पर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ ऊपर वाली लाइन को टच किया, वहाँ से फिर नीचे आया, फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा? हमारी एंट्री तो पहले यहाँ पर बनती थी, लेकिन ये वहाँ पे ये स्टॉक हमें नहीं मिला क्योंकि 1 वीक का है ना, इसलिए। तो ये देखिए, अपने जो ऑल टाइम हाई अब उसका था, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसका ऑल टाइम जो हाई है देखिए 1490 रुपये पे। ठीक है, उसको इसने ब्रेक किया है। ठीक है, इसका हाई जो था, इसकी क्लोजिंग भी थी जो ऑल टाइम, तो 1434 रुपये की थी, वो तो बहुत पहले ही इसने तोड़ दिया है, लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई जो बनाया था इंट्राडे हाई, तो इसको भी आज इसने ब्रेक करके सक्सेसफुल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो अभी देखते हैं हमने कि यहाँ पे हम जो क्यों नहीं एंट्री किए, क्योंकि वहाँ पे ये स्टॉक हमें नहीं मिल पाया था, और 1 वीक का चार्ट भी है, 1 डे में पैटर्न कुछ अलग ही चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसने जब अपना जो रजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दी है। तो अब देखते हैं हमारा टारगेट अगला क्या होता है। ठीक है, और कहाँ ये जाता है, तो ये लाइन पहले हम देखेंगे कि कहाँ हमारे ऊपर वाले जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ जाके मिल रही है। ठीक है, देखिए ये 1600 पे आके मिल रही है, आगे चल के देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1600 और स्टॉक चल रहा है अभी 1500, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट इसका 1600 रुपये हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 1600 रुपये के लिए आप एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, आराम से आपको शॉर्ट टर्म में ये 1600 का टारगेट दिखाएगा। तो चलिए हम 1 डे में भी देख लेते हैं इसके क्या हाल है। 1 डे में भी देखिए सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ये स्टॉक हमारा, इसको जूम करने के बाद, छोटा करने के बाद, ये देखिए इसी के बीच में ये स्टॉक घूम रहा है, तो यहाँ नीचे से ऊपर करता है, और ये देखते हैं हमारी 1 डे की टाइम फ्रेम पे ये हमारी कैंडल कहाँ पे जाके मिल रही है, आगे जाकर अगर ये जाएगा तो कहाँ पे जाके ये मिलेगा। देखिए ये स्टॉक यहाँ पे जा रहा है, ये वाली लाइन जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखा है, ये 1600 पे जाके ये ब्रेक कर रही है यहाँ पे स्टॉक के सामने, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आराम से 1600 होगा। तो चलिए हम इस पर मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं कि क्या होता है, उस पर क्या हमारा पोजीशन बन रहा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं मूविंग एवरेज लगाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अपना मूविंग एवरेज खोल लिया है, मूविंग एवरेज लगा दिया है 20 डे और 100 डे का, 20 और 50 डे का। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है, बाई का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई था ये, और ये देख रहे हैं ना आप लोग, एक यहाँ पे ऑल टाइम इसका रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पे था, तो दोनों को ब्रेक करके तो ये स्टॉक 5-10% आराम से रिटर्न आपको दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग ये क्रॉस भी जो किया है ना, तो यहाँ से ये स्टॉक जब जब रेड वाली लाइन जो हमारी 50 डे की मूविंग एवरेज है टच किया है, तो यहाँ से ये बाउंस किया है। देखिए यहाँ पे किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे किया, फिर वापस बाउंस किया है। ठीक है, और हमारा MACD का भी देख लेते हैं कि क्रॉसओवर कैसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, देखिए MACD का क्रॉसओवर सीधा ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा है एकदम क्रॉस, और अभी है इसका लेवल 20 के आसपास, तो ये अभी बहुत लंबा जाने वाला है ऊपर की तरफ, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इस मंथ में मैंने कितनी कॉल्स दी है लोगों को इंट्राडे का, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक जो मैंने इस महीने में पूरी दी है ना, उसका मैं एनालिसिस करूँगा इस महीने के लास्ट में, कि मैंने किस लेवल को, कौन से स्टॉक को किस लेवल पे बाई करने के बोला था, और अभी वो किस रेट पे स्टॉक हमारा चल रहा है। ठीक है, ये महीने के लास्ट में मैं बताऊँगा। लगभग 10 से 12 स्टॉक मैंने आप लोग को दिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, तो सबका टारगेट हम देखेंगे कि हाँ हमारे कौन से स्टॉक ऊपर की तरफ गए हैं, और कौन सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कौन सा हमारा बाइंग प्राइस जो मैंने बताया था वहाँ से नीचे है, और कितने स्टॉक ऊपर हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्या सभी स्टॉक ऊपर ही होंगे जिस रेट पे मैंने बाई के लिए बताया था।
तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के स्टॉक लाता रहता हूँ। और एशियन पेंट मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ, 1500 पीस की क्लोजिंग है और इसका टारगेट मैंने दिया है 1600 रुपये। तो आप इसको अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं 2-4 स्टॉक 10 स्टॉक के साथ, तो भी आप इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं, आपको 100 रुपये शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो नया डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।